आज का हमारा टॉपिक है द मूड। द मूड से मुराद हमारी क्या है? ऐसी चीज जो फैशन में हो, यानी कि जो हमारे पास सबसे ज्यादा रिपीटेड हो, कॉमन हो, यानी कि हमारे डेटा सेट में ऐसी वैल्यू जो सबसे ज्यादा कॉमन होगी, यानी सबसे ज्यादा रिपीटेड होगी, जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही होगी, हम कहेंगे कि ये हमारे डेटा सेट का मूड है। मूड को कंप्यूट करने के दो तरीके हैं हमारे पास, क्योंकि डेटा सेट जो है वो दो किस्म का होता है। एक हमारे पास है अनग्रुप, यानी जब हमारे पास डेटा जो है वो क्लासेस में डिवाइड नहीं होता, और एक है ग्रुप, जब हम लोग डेटा सेट को क्लासेस की फॉर्म में डिवाइड कर देते हैं। हम देखेंगे कि इन दोनों केसेस में हम लोग मूड को कैसे कंप्यूट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं अनग्रुप, यानी अगर हमारे पास डेटा सेट जो है वो अनग्रुप्ड फॉर्म में होता है, यानी क्लासेस की फॉर्म में नहीं है, तो इससे हमारी क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डेटा सेट है जिसे हम लिख लेते हैं, जैसे 3, 3, 6 है, 9 है, 16 है, फिर 16 है, फिर हमारे पास 16 है, फिर 27 आ गया, फिर 27 आ गया, फिर हमने 37 ले लिया, और फिर हमने 48 ले लिया। ये हमारे पास एक डेटा सेट है। अगर हम देखें कि इसमें मोस्ट रिपीटेड वैल्यू कौन सी है, तो वो हमारे पास क्या है, 16, जो कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स। कितनी दफा है, 3। तो 3 जो है वो मैक्सिमम नंबर्स हैं जो इस डेटा सेट में अपीयर हो रहे हैं। बाकी हमारे पास और जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जैसे 3 है वो हमारे पास 2 टाइम्स है, उसी तरह 27 भी जो है वो हमारे पास 2 टाइम्स है, बाकी सारी 6 होगी, 9 होगी, 37 और 48 ये हमारे पास 1 टाइम है। तो हमारे पास इस डेटा सेट के लिए अगर पूछा जाए मूड क्या है, तो हम क्या कहेंगे कि 16 जो है वो हमारा मूड है इस डेटा सेट के लिए। इसीलिए इसी तरीके से अगर हम एक और डेटा सेट देखें कि हमारे पास अनग्रुप फॉर्म में हमारे पास एक और डेटा सेट है 3, 3, 3, ये हमारे पास एक डेटा सेट है जिसे हमने लिख लिया है। अब इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो 16 है, यह हमारे पास 16 है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। इसी तरीके से ये जो 3 है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 3 टाइम्स है। तो हमें क्या, जो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 3 टाइम्स है। तो इस डेटा सेट के लिए हमारे पास क्या है, दो मूड हैं। क्या है, दो मूड होंगे, एक 16 और एक 3। ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारे पास मूड होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक डेटा सेट में हमारे पास एक से ज़्यादा भी मूड हो सकते हैं। तो अगर हमारे पास अनग्रुप डेटा हो तो हमारे पास मूड जो है उसे कंप्यूट करना हमारे लिए आसान होता है। जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होगी उसे हम देखकर बता सकते हैं वो क्या है। अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास ग्रुप डेटा हो, यानी अगर क्लासेस की फॉर्म में हमारे पास डेटा हो, क्या हो, क्लासेस हो, और साथ हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन हो हर क्लास की कि उसमें कितनी वैल्यूज फॉल करती हैं, तो फिर हमारे पास मूड क्या होगा। उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला यूज होता है वो हम देखते हैं। हमारे पास ये डेटा सेट है, आप देख सकते हैं ये क्लासेस है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, और अगर इस केस में अगर हमारे पास इस किस्म का डेटा होता है तो हम उसे क्या कहते हैं कि डेटा क्या है हमारे पास, डेटा हमारा ग्रुप्ड है। क्या है, ग्रुप्ड है। इस केस में अगर हमें मूड मालूम करना हो तो जो फार्मूला यूज होगा वो आप इधर देख सकते हैं, एल प्लस ब्रैकेट में हमारे पास एफ वन माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एच, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाई एच। तो इसमें हमारे पास इन सबस्क्रिप्ट का क्या मतलब है, ये जो हमें सॉरी सिंबल्स यूज हो रहे हैं इनका क्या मतलब है। तो जो L है वो हमारे पास बेसिकली क्या है, हमारे पास जो L है इसे हम यहाँ लिख लेते हैं, L हमें क्या बताएगा, बल्कि इसको हम यहाँ लिख लेते हैं एक सेकेंड ताकि हमें ज़्यादा क्लियर हो सके। L हमें क्या बताएगा, L हमें बताएगा मॉडल क्लास। मॉडल क्लास किस क्लास को कहते हैं, ऐसी क्लास को जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगी, हमारी मॉडल क्लास होगी। जैसे कि हम इस डेटा सेट में अगर देखें तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास किसकी है, इस क्लास की, ठीक है, ये 11 to 20 इज इक्वल टू, जो सॉरी फ्रीक्वेंसी क्या है 14, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी मॉडल क्लास है। और ये हमारे पास जो मॉडल क्लास आ गई, मॉडल क्लास में हम क्या करते हैं, मॉडल क्लास के अंदर हम देखेंगे लोवेस्ट क्लास बाउंड्री, जो उसकी क्लास बाउंड्री है उसकी लोवेस्ट वैल्यू जो है वो हम लोग देखेंगे। हमारे पास इस क्लास को कैसे दिया हुआ है, हमारे पास ये क्लास दी हुई है 11 to 20, जो इसकी 11 है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो इसमें से हम क्लास बाउंड्री निकाल लेंगे। उसे हम कैसे कंप्यूट करेंगे, उसको हम इस तरीके से कंप्यूट करेंगे, हम 11 में से माइनस कर देंगे 0.5,
तो हमारे पास लोवेस्ट क्लास बाउंड्री आ जाएगी, तो वो हमारे पास क्या है, हमारे पास आ जाएगी 10.5। तो ये हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास हम इसे अलहदा से लिख लेते हैं, हम इसको इस साइड पर लिख लेते हैं, आप इधर देख सकते हैं L इज इक्वल टू 10.5, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से हम अब देखते हैं F1 क्या है, F1 हमारे पास मॉडल क्लास की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, यानी जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी है, वो हमारे पास इस डेटा में क्या है आ रही है, हमने जो भी मॉडल क्लास देखी उसकी वैल्यू हमारे पास आती है 14 आ गई। इसी तरीके से एफ नॉट हमारे पास क्या है, एफ नॉट हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ नॉट हमारे पास जो हमारे पास मॉडल क्लास से प्रीवियस क्लास है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो एफ नॉट है, वो विच इज इक्वल टू 8। इसी तरीके से हम देख लेंगे कि एफ टू क्या है हमारे पास, एफ टू हमारे पास फ्रीक्वेंसी है उस क्लास की जो हमारे मॉडल क्लास से आगे आती है, वो क्या है हमारे पास 12, हमारे पास 12 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से हम अब h को देख लेते हैं, h क्लास इंटरवल है जिसको हम कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी दो क्लास को हम अपर या लोअर लेकर उन्हें सब्ट्रैक्ट कर दें, जैसे 11-1 ले लेती हूँ मैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 10, तो h की वैल्यू क्या है मेरे पास 10 आ जाएगी। इन तमाम वैल्यूज को हम मॉड में जो है पुट करते हैं, लिख लेते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आता है। हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 10.5 प्लस F1 क्या आ गया 8 माइनस F नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या है, सॉरी F1 के हमारे पास 14 थी, इसको हम ठीक कर लेते हैं, हमारे पास क्या आ गया 14 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 14 माइनस 8 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 10। अब इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले अपने इसको ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, हम इसको सॉल्व करते हैं, हम इसको सॉल्व करने के थोड़ा ऊपर ले गए, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं 10.5 प्लस 14 माइनस 8 हमारे पास क्या होता है 6 आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 14 28 माइनस 8 माइनस 12 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं डिनोमिनेटर को अपने पहले, इस चीज़ को, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 28 माइनस 8 किया 20 माइनस 12 आ गया मल्टीप्लाई बाय 10 आ गया। इसी तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे, हम 20 माइनस 12 कर लेंगे, हमने 20 माइनस 12 किया हमारे पास 8 आ गया मल्टीप्लाई बाय 10, 6 डिवाइडेड बाय अगर हम लोग 8 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.75, हमने इसको लिख लिया, इसको आप कैलकुलेटर पर करके देख सकते हैं, हमारे पास ये एक फॉर्म बन गई। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम लोग डिमैस रूल को यूज़ करेंगे। डिमैस रूल में क्या होता है कि जो अगर आपके पास एक लाइन में सारे साइन अपीयर हो रहे हों तो आपने उनको किस ऑर्डर में सॉल्व करना है। इसमें D से हमारी मुराद क्या है, यानी इसको हम लिख लेते हैं डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस और सब्ट्रैक्ट, यानी अगर एक ही लाइन में आ रहे हो तो पहले डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस और फिर सब्ट्रैक्ट। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले कौन सा आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन, हम उसे सॉल्व करके लिख लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा 10.5 प्लस मल्टीप्लाई किया तो 7.5 आ गया। इसको हम अगर मज़ीद दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो हमारा मॉड क्या बना, यानी हमारे मॉड की वैल्यू आई 18। तो इस तरीके से हम लोगों ने ग्रुप डाटा के लिए मॉड को माल की वैल्यू को कंप्यूट कर लिया। तो हमने आज क्या पढ़ा, हमने आज पढ़ा कि हमारे पास मूड क्या होता है और ग्रुप और अनग्रुप फॉर्म में उसको किस तरीके से कंप्यूट किया जा सकता है।